जवानों का बलिदान बदला लेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान चंदन कुमार का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर के बाद उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। बिहार के नवादा के बारसलीगंज के रहने वाले चंदन कुमार के गाँव में माहौल गमगीन है। चंदन कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके घर नवादा जिले के नरोमार में पहुंचेगा। चंदन कुमार के घर की हालत जर्जर है। शहीद चंदन कुमार के पिता ने बताया कि चंदन वादा करके गए थे कि जब वो वापस आएंगे तो घर बनाएंगे, लेकिन चंदन अब तिरंगे में लिपटकर अपने घर आ रहे हैं। गांव वालों की भी आंखें नम हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिहार के नवादा की तस्वीरें जहां पर चंदन का घर था। चंदन उस आतंकी हमले में शहीद हुए थे, कल जम्मू में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, आज उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव पहुंचेगा। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई आया नहीं पूछने के लिए आपको? हम तो राज्य सरकार ने तो कोई हमको पूछा ही नहीं, पूछ नहीं रहा है कोई अच्छी नहीं, जैसे कि लगता है कि बिहार सरकार में सरकार है ही नहीं है। ऐसी बात है कि बिहार सरकार में लगता है कि सरकार है ही नहीं है। जैसे लगता है कि हमारे चंदन के जगह पर वही चला गया है, ये हाल है। तो हमको जो कहना है तो हम किससे कहें, किससे हौरा हम करें? राज्य सरकार से क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं, मांगते हैं, हमारे पुत्र है उसको नौकरी दें, हमारे खाने के लिए 50 लाख रुपया दें। जब तक देंगे तो हम घर क्या किसी स्थिति से होगा, मगर किससे हम कह सकते हैं और किससे हम सुना सकते हैं? जब हमारे इतना सारा इंडिया खौल मचा है, आज तक क्या बिहार सरकार के कान में नहीं गया है? इसका मतलब है कि चंदन नहीं गया है, वही चला गए हैं। अब क्या हम कर सकते हैं? कब आपको जानकारी मिली थी कि आपके जो बेटा है चंदन वो शहीद हो गए हैं? कैसे जानकारी? बार के 12:30 बजे रात ने वहीं से फोन किया है। अब वो तो कौन किए, वो तो हमारे पास में, हमारा छोटा लड़का के पास में फ़ोन आया था है, मगर वही बोला कि फ़ोन उठाया, बोला हाँ कौन, क्या नाम है? तो बोला कि हम अभिनंदन, हमारा नाम है। तबल हम अच्छी से बोल रहे हैं, रजौरा से बोल रहे हैं। से इतने के बाद में उनको थोड़ा सा समझाने लगा। समझाते हुए बोले और उसके बाद में इतने बोले कि आपका भाई शहीद हो गया, और उसके बाद मोबाइल काट दिए। उसके बाद फिर मोबाइल इधर से कितने लगाते रहे, फिर वो मोबाइल लगाने। आज इंतजार हो रहा है पार्थिव शरीर के आने का? आज का इंतजार हो रहा है उनका पार्थिव शरीर का। और पुंछ में शहीद हुए चार जवानों का आज अंतिम संस्कार होगा। चारों जवानों के पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर के जरिए उनके गांव पहुंच रहे हैं। चार शहीद जवानों में दो उत्तराखंड के रहने वाले थे, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार के रहने वाले थे। चमोली के रहने वाले शहीद वीरेंद्र सिंह और उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पर थोड़ी देर में पहुंचेगा। वहीं कानपुर के रहने वाले करण यादव और बिहार के नवादा के रहने वाले चंदन कुमार का पार्थिव शरीर भी हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जा चुका है। इससे पहले कल पुंछ में शहीद जवानों को सेना ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी और इसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गाँव पहुंचाया जा रहा है, जहां पर आज उनका अंतिम संस्कार होगा। तो उत्तराखंड के वीर सपूतों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से थोड़ी देर पहले ही दो वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुंछ हमले में उत्तराखंड के दो वीर सपूत शहीद हुए हैं, नायक वीरेंद्र सिंह और राइफलमैन गौतम कुमार का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दोनों जवान 21 दिसंबर को पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। आज इन वीर जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा और पहुंच चुका है, और उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर के बाद किया जाएगा। तो तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शहीद वीरेंद्र सिंह की ये तस्वीर, नम आंखों से
पूरा देश आज इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शहीद गौतम कुमार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे, उनके जो पार्थिव शरीर है वो देहरादून पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देहरादून के दो वीर सपूतों ने भी अपना बलिदान दिया है। पुंछ में 21 दिसंबर को जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए, उनमें से 2 देहरादून के वीर सपूत भी थे। और वहीं कानपुर के रहने वाले शहीद करण यादव के गांव भावपुर में गमगीन माहौल है। गांव को अपने वीर सपूत का इंतजार है। आपको दिखाते हैं कानपुर से न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट। तब मौजूद है शहीद करण यादव के घर पर। कानपुर का भावपुर गांव का रहने वाले थे शहीद करण यादव, और उनकी पार्थिव शरीर को किसी भी वक्त इस गांव में लाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं, जो युवा है किस तरीके से यहां पर लगातार तिरंगा यहां पर लगाते हुए इस, देखिए ये घर है बकायदे, वहां पर श्रद्धांजलि सभा के बारे में लिखा हुआ है। आप एक्स आर्मी मैन जी? एक्स आर्मी, एक्स आर्मी मैन। गांव के 30 से ज्यादा बच्चे जो हैं सेना में है, आर्मी में है इस वक्त। भावपुर के कम से कम 30 से 32 जवान हैं जो आर्मी में हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ ऑन सर्विस हैं जी। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है, और यहां पर देखिए ये सभी इसी गांव के रहने वाले लोग हैं। और जब से इन लोगों ने सुना शहीद करण यादव के बारे में, रजौरी सेक्टर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वो शहीद हुए हैं, उसके बाद से लगातार सबके आंखों में नमी है, आंखों में आंसू है, गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर। और यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बालक राम जी, जो कि शहीद करण यादव के पिता हैं। बहुत दुखदाई है जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत किया है, आतंकवादियों के जरिए हमारे सेना के जवानों में पर हमला कराते हैं, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करते हैं। अभी क्या बातचीत हुई है जो लोग, क्योंकि पत्नी और फूफा उनके बताया जा रहा है कि शहीद करण को लेने के लिए गए हुए थे, शहीद करण को लेने गए हुए थे। अब ये पता चला है कि देहरादून आ चुके हैं, देहरादून से वो कानपुर आते हैं। कहाँ आते हैं, मतलब लखनऊ जाते हैं कि कानपुर आते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। बाकी अगर कानपुर आ जाएंगे तो 10-11 बजे तक यहाँ भी आ सकते हैं, ये जानकारी मिली है। देखिए अब खबर तो बहुत दुखदाई है, तमाम तैयारियाँ भी इस वक्त आपके घर पे हो रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है, उस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान को तो घुस करके जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार यही करता रहेगा और आज तक करता रहा है, तो उसको इसका सीधा जवाब मिलना चाहिए। तो ये आतंकवाद ख़त्म हो, इससे मान लो जो है आगे वाले जो और भी मान लो बहुत से फौजी ऐसे हैं, वो भी हमारे लड़के हैं, उनके साथ इस प्रकार की हरकत ना हो। आज काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे पे, शहीद हुए हैं। अब बेटा हमारा शहीद हुआ है देश के लिए, उसने प्राणों की निछावर कर दी, उसका नाम अमर हो गया। अब सरकार के यही कहना चाहते हैं कि उसका नाम हमेशा के अमर रहे, ऐसी कोई प्रतिमा उसकी बनवा दें, उसके लिए रोड बनवा दें, तो उसका नाम चलता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक सड़क जो है शहीद करण के नाम पे होगा। प्रधानमंत्री मोदी से या सेना प्रमुख से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं? उनसे हम यही करना चाहते हैं कि उसके नाम का शहीद पार्क बना दिया जाए। और करण की 2 बहनें शादी कर ले, जो बन सके उनका मतलब जो है सहयोग कर दें। करण ही घर में सबसे बड़े थे और वही सबको सलाह मशवरा देते थे, बहनों की शादी के लिए लगातार रिश्ता भी देख रहे थे जी। वही सबसे बड़े थे, देखभाल वही करते थे, खेती पाती तो है नहीं, ना के बराबर है, तो घर वही संभालते थे, उन्हीं पर सहारा था। अब वो सहारा तो चला गया,
छोटा भाई है वो भी बेरोजगार है, उसको कौन अगर सरकार नौकरी दे दे तो उसका जीवन पालन होता रहेगा, यही चाहते हैं। करण के भी दो बच्चे हैं। करण के दो बच्चे हैं, एक 5 साल की लड़की है, 1.5 साल का बेटा है।